Assalamu alaikum, grade 7. How are you? Faiza Nadeem, your English teacher, is standing here and wishing the best for you. Not only Faiza Nadeem, but everyone who's standing here in front of you is wishing and praying and hoping that you are hale and hearty and that may Allah keeps you successful in this world and in the hereafter as well. So what we are going to do today? Let's find out. Gee, my dearest children, both the Bitto and the Beta. The board is telling you to take your Oxford Progressive Reader out, book 7. And the unit that we shall be doing today is Sugar and Spice. Kaha suna ye phrase? Cartoons mein? Kaun se cartoons mein? Powerpuff Girls. Powerpuff Girls, jab banti hain, to wo kaise se banti hain? Sugar and Spice and Everything Nice, right? तो इस specific unit का नाम है Sugar and Spice. लेकिन यहाँ पर ये metaphorically नहीं, literally use हो रही है, क्योंकि जो comprehension हम आज कर रहे हैं, it's a newspaper article और ये article है Krispy Kreme, एक donut chain है अमेरिका की. ये donut chain जो है जब ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हो रही थी तो उसके बारे में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा गया था. जिस तरह आपका है ना बच्चे मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, राइट, इसी तरह से ये क्रिस्पी क्रीम एक डोनट चेन है. और इस डोनट चेन की जब पहली आउटलेट ब्रिटेन में खुल रही थी तो उसके बारे में ये न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा गया है. इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में डोनट्स में जितनी कैलोरीज हैं वो बताई गई हैं, और ये कि एक डॉक्टर आयन कैम्पबेल थे, वो बहुत सख्त नाराज थे कि ये इतनी सारी इसके अंदर कैलोरीज हैं, दैट यू आर गोइंग टू इंपोर्ट अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम अमेरिका. और अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओबेसिटी. ओबेसिटी क्या होती है? मोटापा. ठीक है, तो वो ये कह रहे थे कि ये डोनट चेन अगर आएगी तो ये डोनट चेन जो है ये अमेरिका से ओबेसिटी भी इंग्लैंड में लेके आएगी. उसके अलावा इनकी प्लान्स और डोनट चेन के अलावा एक और प्रोडक्ट जो इजी डीवीडीज थी वो भी आ रही थी, उनकी भी डिस्कशन. ये सारा कुछ इस स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन में है. बहुत आसान इंग्लिश है, पढ़ोगे इंजॉय करोगे, क्योंकि डंकिन डोनट्स तो हम ऑलरेडी खाते हैं ना, तो क्रिस्पी क्रीम भी इसी तरह के डोनट्स हैं, बहुत यमी, बहुत मज़े के. और जब ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लोगे तो उसके बाद डंकिन डोनट्स भी खाने से पहले एक दफ़ा सोचोगे ज़रूर, राइट? तो चलते हैं हम इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. पहला सवाल ये है कि व्हाट डज माइकल चॉन्ग प्रिडिक्ट? माइकल चॉन्ग प्रिडिक्टेड दैट द इजी डीवीडीज आर गोइंग टू बी Easy DVDs are going to be a hit in Britain. ठीक है? Next is, explain the Krispy Kreme company's plans for expansion in Britain. ठीक है? Krispy Kreme की कंपनी के ब्रिटेन में एक्सपेंशन के क्या प्लान्स थे? तो आप इस आंसर को यूं फ्रेज आउट करेंगे कि Krispy Kreme's Company's plans for expansion in Britain were that they hoped to build one. कभी भी numbers में नहीं लिखते, हमेशा letters में लिखते हैं. ठीक है, 100 outlets In 5 years, right? Next is, what is an easy DVD and what is one of its disadvantages? ठीक है, easy DVD क्या थी? Easy DVD was a DVD that oxidized after 48 hours
of opening its vacuum seal. The disadvantage is that if you have opened it once, you cannot see the movie again. क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, हवा में गायब हो जाती है, उसका कोई वहां पे नामो निशान नहीं बचता. ठीक है, तो ये थे तीन आंसर्स. इजी डीवीडी, उन्होंने एक डीवीडी इंट्रोड्यूस कराई थी जो आप ओपनिंग सील खोल देना तो उसके 48 आवर्स के बाद करके हवा में तहलील हो जाती थी, राइट, गायब हो जाती थी. तो वो ब्रिटेन में होप कर रहे थे कि सक्सेसफुल होगी, अमेरिका में तो उसके 2 महीने की इंट्रोडक्शन के बाद वो प्रोडक्ट फेल हो गई थी. लेट्स सी व्हाट दे हैव डन. मुझे लगता है फेल हो गई क्योंकि पाकिस्तान में तो अब तक नहीं आई है, राइट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर क्रिस्पी क्रीम डोनट्स सो इररेसिस्टिबल टू द कंज्यूमर्स. द क्रिस्पी क्रीम डोनट्स, यू आंसर आप शुरू करोगे. इररेसिस्टिबल का क्या मतलब है? इररेसिस्टिबल का मतलब है कि वो बाज नहीं आ सकते उसको खाने के लिए. ठीक है, द क्रिस्पी क्रीम डोनट्स आर सो इररेसिस्टिबल टू द कंज्यूमर्स बिकॉज दे आर very soft and melt in your mouth. ठीक है, they are so irresistible because they are very soft and they melt in your mouth. Why are dietitians worry about Krispy Kreme donuts? Dietitians is specific comprehension में सख्त फिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि Krispy Kreme donuts की जो number of calories हैं 200 calories in one donut, ठीक है, too much. क्योंकि एक इंसान को जिसको 2000 calories per day चाहिए, वो अगर 200 calories का सिर्फ donut खा ले जिससे उसका पेट भी ना भरे सारे दिन, फिर उसको भूख लगती रहे, तो वो नॉटी ट्रीट कुछ ज़्यादा ही नॉटी हो जाती है. उसका ना पेट भरेगा ना उसका दिल भरेगा. ही वुड वॉन्ट टू ईट मोर एंड मोर और यू वो फाइनली एंड अप करेगा बींग ओबीस, बींग मोटा. तो आप इसको क्यों और आंसर को कैसे फ्रेज आउट करेंगे? इस तरह से, द डाइटिशंस वरी अबाउट क्रिस्पी क्रीम डोनट्स बिकॉज दे are concerned with the calorie intake of the consumer. ठीक है, why is Dr. Ian Campbell critical of the Krispy Kreme company? डॉक्टर आयन कैम्बल इज क्रिटिकल. क्रिटिकल का मतलब है बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा था उसकी कंपनी की प्रोडक्ट्स में. वो बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस रखता था. क्यों रखता था? वो इसलिए रखता था क्योंकि उसको ये लगता था कि ये कंपनी लोगों की हेल्थ के साथ खेल रही है. इन्होंने इतने हेवी फैट कॉन्टेंट्स उस डोनट में डाल दिए हैं उसको लजीज बनाने के चक्रों में, इस चक्कर में कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो, कि वो ये रियलाइज करना भूल गए कि इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द कंज्यूमर एंड द कंज्यूमर कैन गेट अ लॉट ऑफ डिजीजेस, हार्ट ट्रबल, ओबिसिटी, डायबिटीज, तो वो सारा कुछ ले सकता है इतने हाई शुगर कंटेंट के बाद. ठीक है, डॉक्टर आयन कैम्बल इज क्रिटिकल of the Krispy Kreme company because the company focused on its marketing rather than the consumer's health. थोड़े थोड़े मैंने फ्रेजेस लिख दिए हैं, आप कंस्ट्रक्ट कर लेना सेंटेंसेस. ठीक है, हाउ इज द सक्सेस ऑफ Krispy Kreme कंपनी शोन इन हिज प्रॉफिट्स. द सक्सेस ऑफ Krispy Kreme
company is shown in his high profits. ठीक है, extremely high percentage increase in the profits. यहां पे अगर आप यहाँ पर अगर बिट्टो आप अपने कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें उस परसेंटेज को इलेबोरेटली डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो परसेंटेज भी आप इधर लिख सकते हैं. राइट, लेट्स मूव ऑन टू रीडिंग फॉर डिटेल एंड इन्फरेंस. पहला सवाल, व्हाई आर डोनट्स कॉल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. डोनट्स आर कॉल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन because they are killing you from inside. They have such a high content of sugar that they are killing you from inside. ठीक है, वो आपको बंदूक या चाकू या छुरी की तरह नहीं मार रहे, वो आपकी बॉडी के लिए शुगर कॉन्टेंट इतना हाई कर देते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है. इसीलिए दे आर कॉल्ड एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. व्हाट पॉइंट इज इलस्ट्रेटेड बाय कंपेयरिंग डिस्पोजेबल डीवीडीज एंड डोनट्स. अब उन्होंने डोनट्स को और डिस्पोजेबल डीवीडीज को कंपेयर किया है और उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा पॉइंट रेज हुआ है. तो जो पॉइंट यहाँ पर रेज हुआ है वो ये है कि द डिस्पोजेबल डीवीडीज ऑल्सो ऑक्सीडाइज इन टू थिन एयर. So they are a waste of money because you have spent your money in order to buy a DVD which you can watch over and over again if you want to, but then if it oxidizes or disappears then you cannot watch the movie for more than once. Like that, donuts are also a waste of money. You will buy it and you will bring obesity. ठीक है, you will bring high sugar contents, you will bring a lot of fats in your body, so they are also a waste of money. Evidence to illustrate donuts extra aage hai. To chalo pehle hum aage chalte hain aur fir is sawal ko dobara padhte hain. Okay, so let's read the question again. Evidence to illustrate donuts extraordinary high fat content. आपका paragraph 5 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि जो ordinary donut है उसके अंदर 200 calories है, लेकिन जो आपका chocolate donut है उसके अंदर 390 calories है. एक छोटा सा donut जिसके अंदर 390 calories है और 15 grams of fat है, जिसको खा के आपका पेट भी नहीं भरना, I think is very very unhealthy for you, right? How can the Krispy Kreme company be seen as bucking the trend? Krispy Kreme company is seen to be bucking the trend. Bucking the trend का मतलब क्या होता है कि जो इस वक्त in thing है, fashion में thing है, उसको कब्जा करना और उसकी top पे होना. तो it seems to be bucking the trend because everybody is going forward to have these very unhealthy, high fat content food. So they have introduced this very yummy, very delicious in multiple of choices, ठीक है, in multiple of flavors donuts, which is basically interesting the entire nation. So they are thus bucking the trend. Cynical exploitation, ठीक है, डॉक्टर आयन कैम्बल कहते हैं कि ये जो donuts हैं they are being cynical exploitation. आपने ये बताना है कि to whom and from who, और आपने ये बताना है कि इज दिस राइट और रॉन्ग. साइनिकल एक्सप्लॉयटेशन का ये मतलब है कि कोई ऐसी चीज क्रिएट करना, कोई ऐसी चीज बनाना कि जो आपके लिए एस्थेटिकली देखने में बहुत खूबसूरत लगे, बहुत यमी लगे, फ्लेवर बड़ा मज़ेदार हो, लेकिन वो बनी सिर्फ मार्केट कैच करने के लिए हो. उसमें आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है as far as the donuts or eating is concerned. ठीक है, इस question के answer को आप इस तरह से phrase out करेंगे कि Dr. Ian Campbell
use the word cynical exploitation because the Krispy Kreme company is working very hard to introduce new flavors, right? To introduce new varieties, but they are least bothered by the number of calories they are carrying. So they are basically concerned about the marketing of their product, then the health of the consumer. And in my opinion, in my viewpoint, this is not right. It is a completely wrong gesture from their part. Right? So let's move on to the vocabulary. Vocabulary ka first jo aapko block ke andar immediately after the comprehension words diye hue hain, explanations diye hue hain, wo ye hain. Hippest, hippest jo hai, wo word hip se matla hai, uska matlab hota hai trendy, in, theek hai, fashion, latest fashion, ye, theek hai. To unhone jab comprehension mein kaha hai na ki hippest thing, to uska ye matlab hota hai ki wo बिल्कुल इन है. नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है वो मोरिश है, वो कोलोकियल है. कोलोकियल क्या होती है? आपकी अपनी जगह की लैंग्वेज, ठीक है. जिस तरह हम कराची में उसको कहते हैं जुगाड़, किसी भी काम को करने का आसान तरीका, ठीक है. तो इसी तरह से ये मोरिश जो है ये अमेरिकन की कोलोकियल लैंग्वेज है, ठीक है. इट्स अ कोलोकियल वर्ड फॉर मोर. अच्छा, अब ये क्या है? साइनिकल एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को रुइन करना और ख़राब करना. और ये मार्केट टर्मिनोलॉजी में इसलिए यूज़ होती है कि यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट मार्केटिंग रादर देन द हेल्थ एंड दस यू आर एक्सप्लॉयटिंग योर कंज्यूमर्स. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज वन. आपकी वोकैबुलरी की एक्सरसाइज वन में आपको ये फ्रेजेस दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि उनको एक्सप्लेन करें. सेल्स फिनोमेना. फिनोमेना इज समथिंग दैट इज लार्जर देन द लाइफ, दैट इज लार्जर देन द वर्ल्ड, दैट स्प्रेड्स इमीडिएटली टूवर्ड्स एवरीवेयर एंड हैज बिकम द बेस्ट चॉइस फॉर एवरीबडी. तो सेल्स फिनोमेना का मतलब है वो ऐसी चीज़ जो आप बेच रहे थे और वो फिनोमिना बन गई, यानी कि लोगों ने उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया और लोगों ने उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया और हर शख्स वही काम कर रहा था. कंज्यूमर प्रेफरेंस. कंज्यूमर यानी हम लोग, खरीदार प्रेफरेंस यानी उनकी चॉइस. सो वट एवर इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कंज्यूमर इज हिज अ हर प्रेफरेंस. ट्रेंड स्पॉटर. पीपल हु हैव अ कीन आई ऑन द मार्केट. मैं और आप, हम बैठे रहे, हम मार्केट को विजिट करते रहे, सेंसस कराते रहे और ये देखते रहे कि इस हफ्ते मार्केट में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बिकी है और किस स्टाइल के कपड़े सबसे ज़्यादा पहने गए हैं. तो हम क्या होंगे? हम ट्रेंड स्पॉटर्स होंगे. मार्केट सेक्टर. मार्केट सेक्टर, सेक्टर होते हैं ग्रुप्स, ठीक है. तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो सिर्फ ये सर्वे कर रहा हो कि मार्केट में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ बेहतरीन है, तो वो मार्केट सेक्टर होता है, ठीक है. लाइफस्टाइल इंपोर्ट. एक लाइफस्टाइल, जैसे हम हैं, हम अगर लंदन से या अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट कर लें कि यार ये भी वहाँ करते हैं, हम भी यहाँ करेंगे, तो हम बेसिकली लाइफस्टाइल इंपोर्ट कर रहे हैं. यहाँ स्पेसिफिक रेफरेंस दिया गया है उस ओबेसिटी का जो अमेरिकन्स ने इस तरह से जंक खा खा के अपने आप को करा ली है और ब्रिटेन में भी वो इंट्रोड्यूस हो रही है. वो लाइफ स्टाइल इम्पोर्ट जो अमेरिकन्स की है, जंक खाने की, स्वीट खाने की. डाइटिशियन. डाइटिशियन इज अ पर्सन हु बेसिकली गिव्स यू अ बैलेंस्ड डाइट अकॉर्डिंग टू योर हाइट, हेल्थ एंड एज, ठीक है. और न्यूट्रिशनल बेनिफिट. ऑब्वियसली किसी भी फूड का क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट है ये आपको मालूम होना चाहिए, यानी उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हैं और वेदर यू आर इन नीड ऑफ दोज न्यूट्रिशंस और नॉट, वो आपको आपकी डाइटिशियन बताएगी, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज टू. एक्सरसाइज टू में आपको ब्लैंक्स दिए हुए थे और पैराग्राफ्स का रेफरेंस दिया हुआ था और आपसे कहा था कि इन ब्लैंक्स के अंदर इन पैराग्राफ से अप्रोप्रिएट वर्ड्स पिक करके आपने फिल करने हैं, ठीक है. ग्रेजुअली मोर एरियाज ऑफ आर कम्युनिटी आर बिकमिंग नो स्मोक एरियाज इन अलोइंग स्मोकिंग
द सिनेमा इज बकिंग द ट्रेंड. बकिंग द ट्रेंड का मतलब होता है लीडिंग द ट्रेंड, ठीक है, लीडिंग द वे. तो ये हमने पिक किया था पैराग्राफ वन से. लेट्स गो अहेड. द चॉकलेट्स आर वेरी मोरिश, आई जस्ट कांट रेजिस्ट ईटिंग देम. ठीक है, वेरी मोरिश, यहाँ पर वर्ड फिक्स होता है. We were delighted when the proposal that a sports stadium should be built in our town, it was welcomed with open arms, right? Emerald is the in color this year. In color, suna hota hai na? In, theek hai? To wo in color tha. The way Masood tucks into all these snacks, there is no doubt that he is so fat. Theek hai? Tucks into thap 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 khana, right? The appearance of Elvis Presley look alike at the concert was a big hit. I don't count bananas as naughty treats. Naughty treats कौन सी होती हैं? जब आप on diet हो तो एक दिन आपका cheat day होता है, उसमें आप अपने आप को जो मर्जी खिला लो, तो वो naughty treat होती है. basically वो उतनी calories आपको नहीं देती जितनी calories उसमें mentioned होती है, क्योंकि आपने अपने जिस्म को एक तरह से shape out किया हुआ होता है, right? इसलिए The vacuum seals on these packs of coffee are a great idea. Vacuum seals, right? हम easy DVD की vacuum seals की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर आ गई. Last exercise है आपकी exercise 3, और exercise 3 में आपसे कहा गया था कि ये जो मायने हैं इनके related words आपने अपने comprehension में से निकालने हैं. मैंने आपको निकाल दिए हैं, sentence में आपको construct कर देती हूँ. Labeled, branded. Krispy Kreme is branded as a mass weapon of destruction. Forecast predict. My grandmother has predicted that I am going to get all A's in my exam. Throw away disposable. We must throw away the disposable bottles in such a way that they can be recycled. Wipes itself out, erases itself. The computer is programmed in such a way that it erases itself after any disease or virus attack on it. ठीक है? Heavily criticized, condemned. The robber was condemned by everybody in the court. Effect, impact. The impact of his advice was such that I have left my wrong ways. Famous for a dishonorable reason is notorious. Adam is notorious of being the naughtiest child in the class. Hasten is accelerate. You must accelerate your effort in order to win the competition. And appealing to the senses aesthetically. The donuts were so aesthetically made that nobody could resist eating them ASAP. They look at them, right? So, quick recapitulation of today's lesson. What did we do? We did reading for understanding, reading for detail, and reading for inference. Along with that, we did loads and loads of vocabulary and sentence construction. Sara attempt karna, mujhko apni duaon mein yaad rakhna, haste khelte rehna, jab tak hum dobara milein, tab tak Faiza Nadeem ko, Allah Hafiz!